हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए बिल्कुल परफेक्ट माप से एगलेस स्पॉन्ज मैदा केक की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखिए, स्किप ना करिए। तो बनाने के लिए हमने लिया है बाउल। तो इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे ऑयल। तो यह हमने लिया है 1/4 कप ऑयल लिया है। आप इसको नॉर्मल खाने वाली चम्मच से भी माप के ऐड कर सकते हैं। तो इसमें 6 से 7 चम्मच हमारी ऑयल की है ये। और ये हमने लिया है 1/2 कप दही लिया है। ये नॉर्मल वाला दही है, हमारे को ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। इसमें भी 8 से 9 चम्मच हमने दही की लिए हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर या नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप लिया हमने बारीक पिसी हुई शक्कर लिए हैं। तो हम इनको सभी को अच्छे से छान के लेंगे। तो देखिए, हमारी जो भी मोटी शक्कर थी जो उसको अलग कर देंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट, एक वीडियो पूरी देखिए, स्किप ना करें। जब भी आपको वीडियो समझ में आएगी, आपको परफेक्ट रेसिपी बन पाएगी। और हम यकीन से बोल रहे हैं कि आपकी परफेक्ट ही केक बनेगी आप इस ट्रिक से बनाओगे। तो देखिए, हमारा बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। इसको अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लिए थे। तो चलिए, अब इस बाउल में हम दूसरे बाउल में ये हमने लिया है मैदा। तो इसके लिए हम 2 कप मैदा के लेंगे। तो ये हमारा दूसरा कप है। तो देख सकते हैं, मैदा भी हमारी अच्छे से छन चुकी है। तो यह हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या आरारोट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें स्पॉन्ज बहुत ही अच्छी आती है। और ये लिया हमने 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर लिया है। और ये लिया हमने 1/2 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। तो इनको भी हम दोनों को छान लेंगे। तो सभी को हमने अच्छे से छान के तैयार कर लिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स भी हो चुका है। तो चलिए, एक उसको भी हमने साइड में रख दिया है। और ये हमने 3 इंची का केक टिन लिया है। ये लंबाई में 3 इंची है और चौड़ाई में ये हमारा 6 इंची का केक टिन है। तो इससे आपका बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल में इतनी स्पॉन्ज बन जाएगा आपका, आसानी से बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज बनेगा। तो चलिए, इसके लिए बटर पेपर काट लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जिस तरीके से हमने ऑयल लगाया है उसी तरीके से लगा के, और आप इसकी जगह मैदा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा केक टिन तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने लिया है 1 कप दूध का लिया है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का हमने दूध लिया है। गर्म दूध आपको बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो जो हमने मैदा को छान के तैयार किया था उसको इस तरीके से डालते हुए बिल्कुल लम्स फिर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे वेनिला फ्लेवर, ऐड करेंगे इसमें वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए हमारे को। तो ये देख सकते हैं, तो अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1 चम्मच हमने लिया है विनेगर की। तो आप इस तरीके से लास्ट में विनेगर ऐड करोगे तो आपका इतना परफेक्ट स्पॉन्ज तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छी स्पॉन्ज आएगी इससे। तो चलिए, अब इसको तुरंत में हमारे को इसको ट्रांसफ़र करके हमारे को तुरंत में इसको बेक करने के लिए इसको रखना है। इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा देर के लिए। तो
इस तरीके से टैप करते हुए इसको सेट कर देंगे। ये हमारी कढ़ाई भी अच्छी से गर्म हो चुकी है, तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो अब इसको हम पकने के लिए इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमारे को पकाना है कि 10 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है और 15 मिनट हमारे को लो फ्लेम पे पकाना है इसको। तो ये देख सकते हैं हमारे को 25 से 30 मिनट हो चुकी है और हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक चुका है ये। तो चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमने लिया है टूथपिक, तो इसको इसमें देखेंगे कि हमारा केक परफेक्ट बना है कि नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन हमारी टूथपिक निकली है। और अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे इस कपड़े से ढक के, ताकि हमारा बिल्कुल स्पॉन्ज सॉफ्ट रहे ये। तो देखिए हमारे को आधा घंटा के बाद में इसको डिमोल्ड करेंगे, तो देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पॉन्ज बन के तैयार हुआ हमारा। तो आप इस केक को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना परफेक्ट तरीके से स्पॉन्जी बना है ये। बिना अंडे के हमने बनाया है और परफेक्ट माप के साथ में बनाया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर बना के ट्राई करें कितना परफेक्ट तरीके से इसमें कितना सॉफ्ट बना है ये केक। और आप इस तरीके से ध्यान रखना आपको कि ठंडे को ही आपको कट करना है, गर्म को बिल्कुल भी नहीं कट करें, नहीं तो आपका केक अच्छे से कट नहीं पाएगा। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हमारे सिंपल तरीके से स्पॉन्ज मैदा केक बनाने की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।